नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केबी और चलिए 18 सितंबर 2019 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत, थाईलैंड व किस अन्य देश की नौसेनाओं के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है भारत, थाईलैंड और तीसरा इसमें देश है सिंगापुर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब इन तीनों देशों की जो नौसेनाएं हैं वे एक त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास के लिए आई हैं। 16 से 20 सितंबर तक यानी कि कुल मिलाकर के 5 दिवसीय इसका आयोजन होगा और आयोजन कहाँ पर होगा? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। भारत का यहाँ पर INS रणबीर, INS कोरा और OPV सुकन्या पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सिंगापुर की, तो यहाँ का RSN टेनेसियस और थाईलैंड की ओर से STMS काबुरी नामक जो जहाज हैं ये इसमें हिस्सा लेंगे और इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले वर्ष जून में घोषणा की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आधुनिक तकनीक के प्रयोग से किस प्रकार से जो जनता है उनकी शिकायतों का यहाँ पर समाधान किया जाए, इसी के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश देश का चौथा ऐसा राज्य होगा जिसके द्वारा इस प्रकार की हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया है। तो इससे पहले उत्तराखंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश, तो ये तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से पहले इस सेवा को शुरू किया है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में DRDO द्वारा निर्मित रुस्तम 2 ड्रोन किस राज्य में परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कर्नाटक में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग रुस्तम 2 के बारे में बात करें तो यह एक प्रकार का ड्रोन था, हालांकि इसका जो शेप है या इसका जो आकार है वह आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के आकार का था, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण किया जा रहा था DRDO के द्वारा और उसी समय यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रुस्तम 2 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के पेलोड को ले जाने में सक्षम था और इसका निर्माण किया गया है किसके द्वारा? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक संस्था है DRDO के अंतर्गत। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन तीनों के द्वारा मिलकर के इस ड्रोन का निर्माण किया गया था। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुस्तम 2 को कि किस प्रकार से ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कर्नाटक राज्य की बात हुई है तो राजधानी यहाँ की है बेंगलोर, राज्यपाल यहाँ के हैं वाजुभाई वाला और BD येदुरप्पा इस समय यहाँ के CM हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि DRDO द्वारा निर्मित नई पीढ़ी के वार गेमिंग सॉफ्टवेयर को किस सेना को सौंपा गया? तो ये वार गेमिंग जो सॉफ्टवेयर है इसे DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है और इसे सौंपा गया है यहाँ पर नौ सेना को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो DRDO की जो प्रयोगशाला है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स स्टडीज एंड एनालिसिस, तो इस प्रयोगशाला के द्वारा इस वार गेमिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। और इसका उपयोग क्या है? तो मुख्य रूप से जो भी हमारे समुद्री क्षेत्र हैं जहाँ पर युद्ध हो सकता है या जो युद्ध के लिए केंद्र बनाए गए हैं उनको प्रशिक्षण यहाँ पर देना है इसका उद्देश्य। अगला हमारा प्रश्न है कि किस संस्थान ने स्वच्छ कोयला अनुसंधान व विकास के राष्ट्रीय शोध व विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है IISC बेंगलोर में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि है बेंगलोर में, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया? विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री और इसके अलावा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री, दोनों एक ही हैं, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन और इन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। स्थापना हुई है IISC बेंगलोर में, लेकिन IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी, IIT मुंबई और IIT हैदराबाद इसके सहयोगी संस्थान होंगे। भारत का यहाँ पर लक्ष्य है कि 2030 तक हमारे देश में जो भी बिजली का उत्पादन हो वह स्वच्छ ईंधन से किया जाए, यानी कि स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों से इसका उत्पादन किया जाए। हालांकि अभी हम लगभग 34-35 के आसपास पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ भारत का यह भी लक्ष्य है कि 2030 तक
जो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन होता है हमारे देश से, उसको 33 से 35% तक कम किया जाए। तो ये कुछ लक्ष्य हैं और इसी के परिणाम स्वरूप भारत के द्वारा यह जो स्वच्छ कोयला अनुसंधान और विकास के लिए राष्ट्रीय केंद्र है, इसकी स्थापना की गई है IISc बेंगलोर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दूसरे देश में भारतीय मिशन के लिए तैनात की जाने वाली पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बनी? तो ये बनी है अंजलि सिंह, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो रूस में जो भारतीय दूतावास है वहां पर इनकी नियुक्ति हुई है। किसके पद पर? डिप्टी एयर अतासे के पद पर। अब ये डिप्टी एयर अतासे क्या होता है? तो एयर अतासे मुख्य रूप से किसी अन्य देश में हमारे देश की जो वायुसेना होती है उसका प्रतिनिधित्व जिस अधिकारी के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग एयर अतासे कहते हैं। तो डिप्टी एयर अतासे के पद पर हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला सैन्य राजनयिक है जिसकी इस प्रकार से नियुक्ति भारत के मिशन के लिए किसी अन्य देश में हुई है। अगर हम लोग रूस में भारत के राजदूत की बात करें तो ये है बी बाला वेंकट शर्मा। तो याद रखिएगा अंजलि सिंह का नाम, विंग कमांडर अंजलि सिंह रूस में अपॉइंट की गई हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है विप्रो के साथ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो BEML का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, इसका पूरा नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। मुख्यालय इसका है KGF। KGF आपने मूवी देखी होगी, तो KGF है बेंगलोर में कोलार गोल्ड फील्ड, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष और MD इसके हैं DK होता। और ये जो BEML कंपनी है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। विप्रो की बात करें तो विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के साथ में ये समझौता हुआ है। किसके लिए? एरो स्पेस के लिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, हाइड्रोलिक सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये समझौता हुआ है। अब ये आपको नाम याद नहीं रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड का आयोजन पहली बार भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो आइफा का नाम आपने पहले भी सुना होगा और ऐसा पहली बार हो रहा है कि आइफा अवार्ड का जो समारोह है इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा, मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये आइफा अवार्ड का 20वां संस्करण है और 18 सितंबर को इसका आयोजन होगा। मुख्य रूप से फिल्मों की उत्कृष्टता के लिए यहां पर अवार्ड दिए जाते हैं फिल्मों के लिए, डायरेक्टर को या फिर जो अभिनेता होते हैं इन सारे लोगों को ये अवार्ड मिलते हैं। वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी और 20वें संस्करण जो इसका है वह जाकर के भारत में आयोजित हो रहा है। पिछला जो हुआ था वह थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में स्टील आयात निगरानी सिस्टम, जिसे हम स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी कहते हैं, को कहां पर लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि स्टील आयात निगरानी सिस्टम, यानी कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं स्टील को अन्य देशों से, उस पर निगरानी रखी जाएगी, उसकी मॉनिटरिंग के लिए इसे लॉन्च किया गया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री, इसके साथ साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल और उनके साथ वाणिज्य व उद्योग के लिए राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, तो इन दोनों के द्वारा साथ में मिलकर के इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो प्रणाली है मुख्य रूप से USA के स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पर आधारित है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में गायब या चोरी हुए मोबाइल के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल को किस राज्य में पायलट बेसिस पर शुरू किया जाएगा? तो ये एक पोर्टल है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो अभी इसकी टेस्टिंग होनी है और टेस्टिंग के लिए जिस राज्य को चुना गया है वह राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। टेलीकॉम मंत्री जो हमारे वर्तमान में है रविशंकर प्रसाद, उन्हीं के द्वारा इसका अनावरण किया गया। और यहाँ पर अगर आपका मोबाइल फ़ोन गायब हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर जाकर के उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। पायलट बेसिस में शुरुआत कहाँ पर हो रहा है? महाराष्ट्र में। और जब ये टेस्ट है सफल हो जाएगा तो उसके बाद में पूरे भारत में इसे लागू कर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो राजधानी यहाँ पर दो है, गर्मियों में होती है मुंबई और सर्दियों में यहाँ की राजधानी है नागपुर। राज्यपाल यहाँ के अभी नए बने हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं देवेंद्र फडणवीस। लोकसभा में 48, राज्यसभा में 19, विधानसभा में 288 और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मान मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको ये अवार्ड ढाका में यानी कि बांग्लादेश की राजधानी में दिया गया। यह अवार्ड इन्हें मिला क्यों है, तो दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण व समृद्ध बनाने के लिए जो इन्होंने योगदान दिया है उसी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी स्मृति में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी 2015 में, और इससे पहले मालदीव, घाना और मॉरिशस के राष्ट्र प्रमुख को ये अवार्ड मिल चुका है। तो ध्यान रखिएगा इन तीन के बाद में चौथा देश है बांग्लादेश जहाँ के प्रधानमंत्री को ये अवार्ड मिला है। बांग्लादेश राज्य की देश की बात हुई है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। मुद्रा यहाँ का है टका। प्रधानमंत्री के बारे में आपको बता दिया। एक चीज़ आपको जो और याद रखना है कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी स्थलीय सीमा बनाता है किसके साथ में, भारत के साथ में। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ में, और इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, यहाँ पर है त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के साथ में भी सीमा बनाता है। तो ये राज्य के नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि 38वें अंतर्राष्ट्रीय शारजाह बुक मेले की थीम यानी कि इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है ओपन बुक ओपन माइंड, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 30 अक्टूबर से 9 नवंबर 2019 में इसका आयोजन किया जाएगा। और एक चीज़ आपको जो और याद रखनी है कि यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2019 के लिए शारजाह को विश्व बुक कैपिटल सिटी घोषित किया गया है, और थीम मैंने आपको बता ही दिया है, इसका नाम है ओपन बुक्स ओपन माइंड। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ जिसका नाम है NBA, भारत के लिए यहाँ पर नया प्रबंध निदेशक कौन बनाया गया है, तो नए प्रबंध निदेशक बने हैं राजेश सेठी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। NBA के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, और यह उत्तर अमेरिका के पुरुषों के लिए एक बास्केटबॉल लीग होती है। स्थापना इसकी हुई थी 6 जून 1946 को, और मुख्यालय इसका है न्यूयॉर्क सिटी में। तो ये है राजेश सेठी जो कि NBA इंडिया के लिए नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पई पद बोट रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो इसका आयोजन हुआ है केरल में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसका एक और नाम है यानी कि पई पड्डू वल्लम कली, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, पई पद बोट रेस के नाम से भी पूछा जा सकता है या आपसे पई पड्डू वल्लम कली के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो 3 दिवसीय यह एक जलीय त्यौहार होता है, यानी कि जल के जो हमारे जलाशय होते हैं उनमें आयोजन किया जाता है तैराकी, या फिर आप कह सकते हैं कि बोट की प्रतियोगिता होती है, और यहाँ पर विजेताओं को चुना जाता है। तो याद रखिएगा केरल में इसका आयोजन होता है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका आयोजन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के किस राज्य के गवर्नर जिनका नाम है फिलिप डी मर्फी, ये नई दिल्ली आए और यहाँ पर इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो ये है न्यू जर्सी के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब अमेरिका देश की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर कुल मिलाकर के 50 राज्य हैं। कितने? अमेरिका में राज्यों की संख्या है 50। ये आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, और जिस राज्य के गवर्नर यहाँ पर आए थे ये राज्य यहाँ पर आपको मिलेगा, न्यू जर्सी यहाँ का राज्य है। अगला हमारा प्रश्न है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की रचनाओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किसके द्वारा किया जाएगा, तो गुरु नानक देव की जो रचनाएं हैं इनका अनुवाद किया जाएगा यूनेस्को के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस वर्ष गुरु नानक देव की जन्म की 550वीं वर्षगांठ है। यूनेस्को के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी हुई थी 4 नवंबर 1946 को, मुख्यालय इसका है पेरिस फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आद्रे अजोले। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में DRDO द्वारा निर्मित अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य के निकट सागर में किया गया, तो इसका
परीक्षण किया गया है उड़ीसा के निकट, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की सहायता से इसका परीक्षण किया गया है। और इसकी खास बात यह है अस्त्र मिसाइल की कि ये सभी मौसम में कार्यशील होती है। उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में परीक्षण किया गया। क्षमता इसकी है 70 किलोमीटर। हालांकि DRDO इसका और बेहतर तरीके से विकास कर रही है और DRDO का लक्ष्य है कि इसकी क्षमता को 300 किलोमीटर तक बढ़ा के किया जाए और ये हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्त्र मिसाइल को, ये है अस्त्र मिसाइल, ये आपको ध्यान रखना है, ये है SU-30 MKI लड़ाकू विमान है और इससे इसको फायर किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस IIT द्वारा प्लास्टिक को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए तरीके की खोज की गई है। तो इस पर काफ़ी समय से कार्य किया जा रहा था, लगभग 3 वर्षों से कार्य कर रही थी IIT मद्रास और फाइनली जाकर के IIT मद्रास को इसमें सफलता मिल गई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उड़ीसा राज्य की बात हुई थी पिछले प्रश्न में, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक। कल एक गलती हो गई थी, कल मैंने जो आपको ओजोन दिवस की थीम बताई थी कीप कूल एंड कैरी ऑन द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये थीम थी 2018 की, तो मैंने गलती से इसको लिख दिया था। थीम आपको याद रखना है, ये है 22 ईयर्स एंड हीलिंग, तो ये इस बार की थीम है क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में हुआ था इसके 32 वर्ष पूरे हो गए हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि एंड्यूरोमैन ट्राई एथलान प्रतियोगिता को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो ये बने हैं मैंग बैद। अगला प्रश्न था कि PMO के पूर्व सचिव और पूर्व डिप्लोमेट BN युगांधर का निधन हुआ, तो ये किसके पिता हैं, तो ये पिता थे सत्या नडेला के, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। हाल ही में हरियाणा की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए किस खिलाड़ी को कुलपति नियुक्त किया गया, तो कुलपति यहाँ पर बने हैं कपिल देव। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2019 फार्मूला 1 रेसिंग का खिताब किसने जीता। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2019 का खिताब जीता है। तीसरा प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है कि जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी किस राज्य के पहले लोकायुक्त बने हैं। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को रिकॉर्ड 22वां खिताब किसने जीता। तो इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ करना है, रोज़ वीडियो जब भी आप मेरा देखें उसके पहले आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप करंट अफेयर का नोट्स बना रहे हैं तो एक दिन पहले का जो करंट अफेयर का नोट्स है उसको ज़रूर पढ़ लें, या फिर अगर आपने PDF डाउनलोड किया है तो उस PDF से 2 से 4 मिनट में रिवीजन जरूर कर लें और आप देखेंगे इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद जय भारत, और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।